सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस तो जैसे कि स्टूडेंट हमारी पॉलिटिकल साइंस जो है इसका यूनिट फर्स्ट हमें ख़त्म हो गया आज इनशाला हम यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड का नाम है कंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन तो कन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है कंस्टिट्यूशन को कैसे लिखा गया कंस्ट्यूशन को किस तरह पेश करते हैं कंस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है इंपॉर्टेंट क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये नैन्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट ख़त्म हुआ और ये दूसरा यूनिट है हमारा तो प्यारे बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वाट इज़ ए कंस्टिट्यूशन वाट डज कंस्टिट्यूशन डू कंस्टिट्यूशन क्या है और कंस्टिट्यूशन क्या करता है यानी हमारा हिंदुस्तान की आइन जो है ये इसका माना क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये किस तरह लिखी गई है तो इसको हम कैसे पेश करते हैं इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे दी कंस्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटर्न रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री कंस्टिट्यूशन जो है ये हमारे मुल्क का कंस्टिट्यूशन आइन जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं इनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो लोग जो हमारे इंडिया में रहते हैं के शहरी हैं तो ये उनसे एक्सेप्ट हुआ है कंस्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमोंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट हमारी आयी जो है ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के दरम्यान जो रिलेशनशिप है इसकी भी वजाहत करती है और अकॉर्डिंग टू दिलचस्ट The constitution of state is that body of rules or laws written or unwritten, which determines the organization of government, the distribution of the powers to the various organs of the government, and the general principles on which these powers are to be exercised. A constitution does the following: constitution, it creates a degree of trust and organization. बी इट्स स्पेसिफाई हाउ द गोवर्मेंट विल बी मेड हु विल हैव पावर टू टेक हाउ मच डिसीजन सी इट लेस डाउन लिमट्स एंड द पावर ऑफ दी गोवर्मेंट एंड टेल्स आस अबाउट दाइट्स ऑफ द सिटीजन्स डी इट हेल्प्स क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी सी ई इट इज दोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द गोमेंट तो ये था आज हमारा पोलिटिकल साइंस का ये लेसन हमने जो पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है तो थैंक यू बेटा आप इसको याद करेंगे और काफी बार भी नोट करेंगे